यहाँ पे राउंड की शुरुआत होते हुए देखिए यहाँ पे ओ पैराडॉक्स गॉट टू एंड इसमें कंकस एक प्लेयर जरूर कंकस हुए थे कि वो रीले बोल्ट की जो कि एक ब्रीच के पास होंगे नियॉन के पास होंगे एंड देखिए एक्सकली आगे बढ़ते हुए पैराडॉक्स की तरफ एंड इनके पास हेल्प करने के लिए खिलाड़ी मौजूद रहेंगे लेकिन पैराडॉक्स उनके लिए जो क्रॉस फायर जो उनके सामने थी एक्सकली बैठे हुए वो हेल्प करने के लिए चले आएंगे एंड देखिए आखिरी खिलाड़ी नाइट राइडर शुरुआत करेंगे एंड नाइट राइडर किल निकालने के बाद रेंडेवू नहीं कि स्टिल पुशिंग अप पैराडॉक्स क्लोज पिक करेंगे फ्लैश के ऊपर यहां पे एक पिक एक्सकाली तुरंत ट्रेड करेंगे बट एक्सकाली पुश करने का मौका ढूंढ रहा है पैराडॉक्स विद द रिले बोल्ट यहां पे जरूर दिक्कत दे रहे हैं जी हां एक और बार ऐसे जी बिल्कुल प्लेयर यहां पे कॉन्फिडेंस के साथ आगे जाते हुए ओनली वन प्लेयर रिमेन एंड लुक एट दैट पैराडॉक्स उनका शॉट सेज इन द पॉकेट क्रिस्प शॉट और की स्पीड जो है वो जरूर से प्लेयर से कम कर देंगे बैक साइड बचाएंगे एंड रॉक विल स्पॉट्स वन बट नो टीम इज मोर रेडी आप देखिए रिले बोल्ट के उस पार एनिग्मा जो तेजी से आए थे बिल्कुल गिरते हुए नजर आए हमें वो स्मॉल कॉर्नर्स जहां से ड्यूल ले रहे हैं हर एक ड्यूल में वो आकृति सेकंड ए या बी स्काली ऑलरेडी वेंचर कंट्रोल मिल चुका है बट विम्प का स्विंग देखिए बट उसी दौरान Rafael finds a trade but RVK bhi dikkat de chuke RVK kuch se zyada sunai de raha hai long barrel nobody is pushing RVK final logic ka push karte hue nazar aayenge skitch ki tarah Rafael intezar kar rahe the flash karke black hawk side mein already hai can he find that nahi the RVK finds it and RVK dali night rider of the op position already known so jagah se and paradox wo reload hone se pehle unko bhi take down kar jata hai filhal ke liye iske liye aage badhe aage rendezvous se bahar nikalne ka wo chali jayegi to luxury chahte hi aapko punish kiya jayega filhal ke liye yahan pe aage badhte hue बाकी खिलाड़ी को पनिश करते हुए अभी भी कंट्रोल है नाइट राइडर ब्लैक हॉक दोनों साथ में खेल रहे हैं जंप आएगा बट क्रॉस स्लो करने के लिए मौका रहेगा आरवीके इज रीडिंग राइट बट बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर रहे हैं खिलाड़ी थे लुकिंग फॉर द सेकंड उनको भी लग रहा है हो सकता है एक पीक बट ये वेपन रिकवर करने के लिए गए थे Not too sure, flash आएगा but समझ तो देखिए revenant उसी side पे आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी सारे के सारे खिलाड़ी ready RVK getting skilly यहाँ पे जरूर से guard करते हुए नजर आएंगे night rider weapon निकाल लीजिए report करेंगे but night rider how did you manage to get that kill mid में एक खिलाड़ी lurk करते हुए नजर आ रहे हैं flash and immediate peek Rafael finds the first दूसरे के लिए भी जा सकते थे but वो fault line deny करता हुआ दूसरी ओर एक्सकाली होल्डिंग रैम्स कंट्रोल फाइंड्स थ्री फॉर हिमसेल्फ आखिरी खिलाड़ी वॉल तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं सरप्राइज तीन लोग यहां पे देखिए बी हेवन पुश करते हुए नजर आ रहा है मार्शल रहने वाला है फाइंड्स इनिशियल एक्सकाली पहला किल निकालेंगे बट ब्लैक हॉक ट्रेड इट आउट दूसरा निकालते हुए रेक्सी नाइट राइडर को डाउन करेंगे इट्स ऑल अप टू ब्लैक हॉक थ्री के निकाल चुके हैं 10 बुलेट फैंटम है बट आपको कुछ हटके करने का मौका नहीं मिलेगा इस बीच रेक्सी भी आगे बढ़ते हुए नो टाइम सोने पे सुहागा शेरी ऑन द केक वाओ ब्लैक हॉक एक रॉन्ग मूव यूटिलिटीज बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे लेकिन फूट के कदम एंगल चेक करके आगे बढ़ने पड़ेंगे के विल बी टेकन डाउन एंड दिस अच्छे खिलाड़ी को टेक डाउन किया गया के वो कैसे कर गार्ड करते हुए नजर आएंगे कि उनके भी होने का पता जो है लेकिन वहां पे देखिए विम विल दे अल्टीमेट भी उनके पास पॉप करेंगे बट वहां पे रैप्टर्स में खिलाड़ी है ही फाइंड्स दैट एंड यहां पे देखिए दोनों खिलाड़ी पिलर्स की तरफ रहने वाले हैं एक्सकाली को पता चल चुका है ही यूजेस हिज ग्रेनेड टू शूट देम बैक योर ऑपरेटर एक्सकाली फाइंड्स द नेक्स्ट 1v1 सिचुएशन में यहां पे एक्सकाली ही नीड्स टू फाइंड दिस एंड जी हां वो भी वैसे एक क्रिस्प शॉट्स दिखा आवाज तो जरूर से आ गई होगी एक्सकाली ऑन द अदर हैंड देखिए आगे बढ़ेंगे नो पेंशल से थोड़ी देर के लिए रोक जरूर देंगे लेकिन क्या वो प्लेयर रुकने वाला है मुझे नहीं लगता यहाँ पर प्लेट शॉम काम कर जाएंगे आरवी के साथ ही साथ यहाँ पर दिक्कत बढ़ाएंगे बट रॉफ्यूल बट रॉफ्यूल ये देखिए पुश जो आ रहा है दोनों साथ में आगे जरूर बढ़ रहे हैं ठीक का कंट्रोल लेने के लिए बट पोजीशन बता चुके एक ही स्प्रे में विद अ फोके रॉफ्यूल कम्स अप ह्यूज इन दिस राउंड रॉफ्यूल इज राइट नाउ कंकस प्रेजेंस डिटेक्ट हो जाएगा ग्रेविटी वेल में वहां पे फंसे हुए एंड रेक्सी फाइंड एंड रॉफ्यूल को पहला मिलेगा अभी भी उनके पास एक प्लांट होता हुआ नजर आ रहा है एंड लुक एट दैट ब्लैक हॉक भी अपना अल्टीमेट प्लांट कर जाए इस्तेमाल कर जाएंगे स्पाइक प्लांट हो चुके इनिशियल ड्यूल देंगे बट ब्लैक हॉक नाइट राइडर की तरफ से कोई गलती हो फिर हम आगे बढ़े फिलहाल के लिए प्लेयर विल बी टैग्ड ब्लैक हॉक की पोजीशन क्या पता है प्लस यहां पे चार खिलाड़ी ओ क्रॉस फायर थ्री ब्लैक माय बैड एक साथ तीन खिलाड़ी और ये चौथे ब्लैक ओ
Oh, is not good in health, but Playstorm यहाँ पे वो pop कर चुका है. Antidote का इंतजार कर रहे हैं. Even the initial duel and now raw fuel comes. दिक्कत ही होगी फिलहाल के लिए. Raw fuel उनके साथ ही खिलाड़ी आगे बढ़ते हुए. If anything goes wrong, पूरा हेवन का कंट्रोल. ब्लैकहॉक वेटिंग एट ग्रुप्स टाइमिंग के ऊपर होगा ये सब खेल. स्क्रीन्स का कंट्रोल लेने के लिए आए थे बट मौका नहीं मिला. बट लुक एट दिस आरवी के जस्ट वेटिंग कि एक और खिलाड़ी आ सकता है. लॉजिस्टा इज अबाउट टू स्क्रीन्स बट आरवी के नीचे जरूर जा चुके हैं. साथ देने के लिए रेक्सी आ चुके हैं. एनिग्मा धीरे-धीरे ही सही आगे बढ़ा जा रहा है. एक्स के लिए यहां पर रेडी हैं. फ्लैश होंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे. ऑन द अदर हैंड यहां पे गीले बोल्ट का इस्तेमाल किया जाएगा एंड फाइनली वो पीछे हटेंगे प्लेयर्स. Exchange is coming through. Logi making a better one and यहाँ पे अपनी टीम को नंबर के एडवांटेज के लेके आएंगे. But Top Fuel waiting. पहला पिक में खेल रहे. Smoke डाल के आगे बढ़ रहे हैं. Fragment के हिसाब से वो छोटा player standing. First make it the second as well and यहाँ पे पहल किया lethal के extra ना advantage for Revenant. यहाँ पे उनके पास Nexus है. साइड में रेक्सी होल्ड करते हुए नजर आएगा. बट लुक एट दिस रिले बोल्ट बेहतरीन कमाल करके दिखाएगा रॉ फ्यूल. इनकी तरफ नजर गड़ाए हुए बैठे रहेंगे. साइड के बाहर खिलाड़ी हैं. मुझे लगता है कि रुकने वाले हैं. द हाफ डिफ्यूज टाइम नहीं बचने वाला. नाइट राइडर व्हाट अ ब्यूटीफुल प्ले मैन. बट दे आर जस्ट लुकिंग टू क्लियर रिंग्स आउट. बट उनको भी पता है कि एक इको राउंड पे नहीं आ रहा था. एंड दे आर मेकिंग द राइट मूव. सारे कॉर्नर को चेक करेंगे. अच्छा के पास वो रिजरेक्शन रहने वाला है व्हिच मींस अगर चीजें बहुत ज्यादा खराब होंगी तो यूज किया जाएगा. प्लस ये वो राउंड है नहीं जिस पर रिजरेक्शन जरूरत पड़ने वाली है. पहली बार हमें देखने को मिलता है एक्सकेली की तरफ से ओवरड्राइव और उसे पैराडॉक्स बहुत ही अच्छे तरीके से फेल कराते हुए नजर आएंगे. साथ ही साथ किल्स निकाल के लेके जाएंगे इतनी देर के बाद. एंड उनको भी फायदा नहीं मिला. रॉ फ्यूल उनके हाथ में ऑपरेटर था कि लुक एट दिस पे इंतजार कर रहे हैं. देखिए इनके तरफ जब बढ़ेंगे तो वो दो खिलाड़ी एक साथ बढ़ेंगे. वो एंगल जो भी चीज है वो हो ही गई. हमें पता है कितना ज्यादा तकलीफ पहुंचा रहा है आरवी के. ट्राइंग टू सेव हिमसेल्फ टावर के अंदर जरूर चले जाएंगे बट दे स्टिल नॉट सीन. टावर से भी पुश आ रहा है. लुक एट दिस टाइमिंग नहीं रहेगा दोनों साइड से आ रहा है. देखिए जितना ज्यादा टाइम बचा है मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या सेव करने का मौका मिलेगा. बिकॉज ब्लैक हॉक को टेक डाउन करते ही उनकी पोजीशन पता चल जाएगी. एंड अब बाकी के दो खिलाड़ी यहाँ पे इनकी तरफ बढ़ते हुए. एंड ये देखिए टाइमिंग का द लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग इज सेव. रॉ फ्यूल जैसे उनका ब्रीच की यूटिलिटी प्लस यहाँ पे कंबाइन किया गया था पैराडॉक्स की तरफ से. एंड प्लेयर इज सो क्लोज रेक की इन्हें अंदाजा नहीं कि पैराडॉक्स के सर पे खड़े हो चुके हैं. लिटरली सर पे खड़े ही हो चुके थे. दूसरे प्लेयर को भी टेक डाउन खिलाड़ी साइड पे एंड दूसरा खिलाड़ी लॉन्ग देखते हुए रेवेनेंट नाइट राइडर आगे बढ़िए. वो आर डेड. दोनों के पास ऑपरेटर. This is going to be crazy. Paradox put करेंगे दूसरी ओर से. Antidote अपने हाथ में ऑपरेटर रहेगा बट Paradox वो मौका नहीं देना चाहते इस सेव करने के लिए. पुशर्स गेट भी काफी क्रूशियल काफी इंपॉर्टेंट टाइम आपके लिए होने वाला है. मतलब ये काफी बड़ी बात भी देखिए. Antidote ये बीच के साथ मिलते हैं इसमें बेहतरीन नहीं खेल रहे आप लोगों का काम की सिचुएशन. बी में अभी भी एक खिलाड़ी है. द पिक क्या चेक करेंगे एंगल को. जी हम चेक करेंगे ही फेल बड़े खिलाड़ी दिख गया बट ये पिक्सल दिख जाता है. रॉ फ्यूल ब्रिंग्स इट टू अ 1v. आई वुड से रॉ फ्यूल ऑपरेटर के साथ ही कमाल कर सकते हैं. रथिनो स्टिल दे फ्यूल पैक स्टे करना पड़ेगा उनको. एंड जस्ट शूट रेवेनेंट को यही करनी होती थी इसको 8 स्कोर पे ना होने से. बिकॉज़ 8 स्कोर में क्या होता है ये जरूर पता था. और हम यहां पे बात कर रहे थे कंपटीशन की. ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे से ही कॉम्पीट करने लगे हैं. उंड एंड
वेरी फास्ट एंट्री देखिए स्पेक्टर्स का फायदा उठाने के लिए रेल के ऑलरेडी डिफेंडर स्पॉन में आ चुके हैं. इसका अंदाजा होगा कि नहीं देखना जरूर पड़ेगा बट खिलाड़ी वहां पे नजर आएंगे. फ्री किल मिल जाएगा आप एक्सकाली को दूसरी ओर एक्सीबी भी निकालेंगे बट ब्लैक ऑफ फैंस अच्छे ब्लैक ऑफ कैन ही फाइंड अ लॉट मोर रिम पे सीन बीच में खिलाड़ी को डाउन करेंगे एक्सकाली को ये ड्यूल जीतना पड़ेगा एंड वो थोड़ा उठा सकते हैं वो भी इतना बेहतर नहीं है बट अगेन सिंगल शॉट ही कैन विन द ड्यूल. तो है कहाँ मीन और वो सारे पॉसिबल एंगल चेक करते हुए नजर आएंगे प्लस अपने होने का अंदाजा आवाज एक्सकली बिल्कुल नीचे टावर पे पहुंच साथ किसके थे एक्सकली पुशेस अप एलिमेंट के साथ यहां पे सीधा आ गए ना बट हिट हो जाएंगे एक्सकली खुद. लुक एट दिस दे नॉट गिविंग दिस रॉकल को एक पिक मिलेगा बट पैराडॉक्स टेक वन रेक्स का आगे खिलाड़ी को डाउन करेंगे बट ही एक्सचेंजेस बैक एंड फोर्थ इट लुक्स लाइक रेवेनेंट माइट टेक द अपर हैंड बट जीने आरवी के सेव दे. लुक एट दिस एक और खिलाड़ी को डाउन करना पड़ेगा हेडशॉट एंगल ढूंढते हुए पैराडॉक्स गेट्स इट क्लोज एक और यहां पे रोक दिया गया यहां पे लेट्स कीप इट यहां पे सीधे थ्री ऑर्बिटल स्ट्राइक का इस्तेमाल किया जाएगा दोनों प्लेयर्स फंस चुके हैं. ओह नो एक्सकली यहां पे टेक डाउन नहीं कर पाए होल्डिंग इंतजार करेंगे पीक आएगा बट हु इज गोइंग टू बी गोइंग डाउन एंटीडोट वहां पे ड्यूल जीतेंगे नाइट राइडर फाइंड्स अ ट्रेड पिक करते हैं एंटीडोट बट इस बार वो डाउन हो जाएंगे. आरवीके कमिंग इन विद अ लेट लक मौका मिलेगा दो खिलाड़ी को डाउन करने के लिए एक निकाल लेंगे दूसरे को भी निकालने का मौका मिलेगा एंड लिटिल जिगल फ्रॉम हिम एंड नाइट राइडर्स बंद कर दिया गया खुला छोड़ दिया गया सिर्फ एक खिलाड़ी है बाकी चार तो ए पे तैनात है. आपको साइड लेना है आप ले जाइए कोई दिक्कत वाली बात नहीं जिसको एंड प्लान प्लेयर हैज बीन टेकन डाउन उनको रिवाइव किया जाएगा एंड इस कोशिश में कोशिश ये रहेगी कि एनिग्मा आपके खिलाड़ी कहीं लॉस हो जाए प्लस अल्टीमेट के लिए आपने जो पोजीशन जो है वो ले ली गई है रॉफिल की तरफ खिलाड़ी आएंगे और वो तैनात है तीसरा किलो. वाओ ब्यूटीफुल रॉफिल एन एंटीडोट एंड उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे सो दैट्स बीन अ लॉट ऑफ ड्यूल्स बट ये देखिए एक्सकाली के पीछे पीछे खिलाड़ी आ रहे थे ब्लैक हॉक लुकिंग फॉरवर्ड टू डाउनिंग ए खिलाड़ी तैनात बिल्कुल बैक साइड एंड देखिए ब्रीच और नियॉन की जोड़ी एक साथ आगे बढ़ते हुए नाइट राइडर को एक बहुत बड़ा शायद लगने वाला बट वो फास्ट लेन के वजह से इंफॉर्मेशन मिल चुका है कि साइड के अंदर खिलाड़ी है रॉफ्यूल फाइंड्स पैराडॉक्स फ्लैश आएगा एंड रॉफ्यूल बच नहीं पाएंगे विम टेक्स हिम डाउन. इसी को यहां पे ड्यूल लेना ही पड़ेगा लेंगे एंड जीतेंगे भी जरूर जी बिल्कुल एक छोटी सी गलती एंड राउंड से यहाँ पे हाथ धोना पड़ेगा प्लस यहाँ पे ब्रीच जो थे आफ्टरशॉक का इस्तेमाल किया उन्होंने ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ब्रिमस्टोन उनके आफ्टरशॉक को क्रॉस करके इस तरफ आ चुके हैं दोनों प्लेयर स्मोक के थ्रू बहुत ही ब्यूटीफुली अंदर आ जाएंगे नेक्स्ट प्लेस अभी के लिए लड़ना होगा लड़ेंगे How is this possible? No way! ये दो खिलाड़ी खरोच तक नहीं आई है ब्रिमस्टोन को खरोच तक नहीं आई है थोड़े से बस पॉइंट्स जी बिल्कुल रॉफिल के बाद रहने वाली वो सारी चीजें कामयाब करके दिखाएंगे ना वो फेड की यूटिलिटीज बट नो रॉफिल यूटिलिटीज पे फोकस नहीं करेंगे वो एक राउंड यहाँ पे पूरा का पूरा मैच जो है वो टीम्स के लिए क्रूशियल है एक छोटी सी गलती आप उसको भुगतना पड़ सकता है ये स्प्रे आराम से बिल्कुल पेशेंस के साथ एम करेंगे एंड प्लेयर को टेक डाउन करेंगे लेकिन खिलाड़ी आ रहे हैं ब्लैक हॉक अपने आप को रिपोजिशन के लिए आगे आ रहे हैं बस फ्रैगमेंट थोड़ा डिले हो जाते हैं दो खिलाड़ी एंट्री करेंगे बट फिर भी खेलते हुए खिलाड़ी यहां पे है नाइट राइडर को टू डाउन करेंगे रेक्सी एंड दैट्स अ ब्रिलियंट 3 के फॉर हिम टू सेव द टीम. यहां पे आखिरी खिलाड़ी बहुत तेजी से आ रहे हैं कैन मैच फाइंड एनीथिंग ये देखना पड़ेगा बट जी नहीं ट्रैप होते हुए नजर आ रहा है और यार रेक्सी की तरफ से आता है ब्रह्मास्त्र वो अल्टीमेट जो कि बी साइड को कंप्लीटली खाली करा देगा सैम देखिए 4 के निकाला था एंड वो उनके एम में बता रहा है कि ही इज फीलिंग इवन एंड इवन मोर कॉन्फिडेंट. डोर आएगा क्लोज करने के लिए बट नाइट राइडर उस डोर के बीच में रॉफिल को ढूंढ निकालेंगे आरवी के ट्राइंग टू होल्ड थिंग यूटिलिटीज करेट वगैरह ये सारी चीजें भी बिल्कुल रहने वाली हैं एंड कोशिश रणवीर की तरफ से रहेगी डैमेज करने की वाला एंटीडोट देखिए एक प्लेयर का डाउन करोगे लास्ट स्टैंड पे आगे आना एंड पैराडॉक्स 1v1 की सिचुएशन बहुत ज्यादा लो टू बी इनफ बिकॉज़ उस स्मोक में थोड़ी सी यहां पे गैप जरूर है जिसका फायदा जरूर खिलाड़ी निकाल सकता है वो सीमिंग टू बी टुवर्ड्स ट्रीज खिलाड़ी को क्रॉस करते हुए देख लिया कॉल आ चुका पैराडॉक्स गोइंग इन पैरा ने बेहतरीन तरीके से डील करेंगे एक किल मिल जाएगा इज गोइंग टू द सेकंड ड्रॉप ये देखिए
डिफेंडर लॉकडाउन पॉप्ड आउट है, इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा एंड इसके ऊपर बेट के इस्तेमाल होते हुए फाइनली लॉकडाउन को तोड़ते हुए नजर आएंगे। अल्टीमेट का इस्तेमाल टू डिनाई एनी फर्दर यूटिलिटी यूसेज, वहां पे देखिए एक्सकाली के पास भी अल्टीमेट था, डोर रेडीज यूज करने के लिए मौका नहीं है, बट पिक्सेल्स दोनों खिलाड़ी को देख चुके, वाइट स्विंग आएगा, इज गोना विन वन ड्यूअल अगेंस्ट देम, दूसरे के लिए पोजीशन नहीं पता है, जंप करेंगे एंड सीधा विन करने के लिए एक बार फायदा मिला, दूसरी बार रोका गया, ये थर्ड टाइम है जब असेंट आप करने में देख रहे हैं, लेट्स सी दैट रॉफ्यूल, ओ बहुत ज्यादा आगे गए, अनफॉर्चूनेट अगर विन अकेले होते रॉफ्यूल वैल्यू निकाल पाते, लेकिन विन के साथ खिलाड़ी थे और यू देखिए फर्स्ट लेन में कचूमर बना के रख दिया खिलाड़ियों का, इतनी बेरहमी से मारा जा रहा है एनिग्मा और यू चलिए एनिग्मा को जितने वाली बात safely tucked यहाँ पे pixel दिख चुका है, he'll be giving a call कि खिलाड़ी आज के आपकी side के तरफ आए and Paranoid as well as Crawler दोनों यहाँ पे उनको खाता हुआ with एक बार lead में एक round का lead already है, क्या यहाँ पे दो round पीछे धकेल दिया जाएगा और ये देखिए fragment के साथ isolate करेंगे और उसके बाद जाके धकेलेंगे, Excali बहुत ज़्यादा extend कर चुके हैं इनके सामने तीन खिलाड़ी बैठने बात समझ नहीं होगी इस खिलाड़ी को, will be taken down and ये round लग तो ऐसा ही रह के चला गया बिकॉज ओनली वन प्लेयर स्टैंडिंग, कोर स्टेबलाइज करेंगे आपको ही टेक डाउन कर लिया जाएगा, वो फ्लॉलेस राउंड जरूरी होता है तभी आप साथ साथ में कन्वर्ट पाओ कर पाओगे, लेकिन चलिए देखते हैं क्या होगा यहाँ पे बिकॉज जो प्लेयर्स आर रेडी एंड कैसा हो पाएगा बिकॉज यहाँ पे जो नंबर दो ओनली वन प्लेयर में नहीं आर इंपॉर्टेंट विल बी टेकन डाउन फ्लॉलेसली, इंतजार कर रहे थे अल्टीमेट का इस्तेमाल, सीधा रश करने के लिए मौका, आरवी के क्या साथ दे पाएंगे, एक्सकैली हैज नथिंग टू प्ले विद, ओ ही गोस शूट, तीन खिलाड़ी को डाउन करेंगे बट अभी भी रिवाइव कर सकते हैं वहां पे, कोर स्टेबलाइज कर सकते हैं बट लॉजिस्टा डीलिंग सो मेनी ब्लोस हिमसेल्फ, वो खुद 3k पे आ चुके हैं, ब्लैक ऑप को वापस लेके आ चुके थे बट पुट्स एन एंड, रेक्सी यहां पे एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि स्कोर लाइन सारी चीजें जोर जोर से चीख के जोर जोर से ला के बता रही है कि रेवेनेंट आज तैयार है और उनको रोकना मुश्किल है, रेक्स विल फाइट द फर्स्ट किल नाइट फाइट, यहां पे गलत कैश पर जरूर बहुत आई मीन अच्छा डैंक जो है वो यहां पे पैराडॉक्स, आप तीन और किल दे हो नॉट अलाउड, ओ रॉफ ना ही कैन फाइंड द फर्स्ट डैमेज कर चुका है, उसको क्या पिक निकालेगा, 2v4 सिचुएशन है यहां पे, आएगा नैनो स्वॉर्म एंड लॉजिस्टा पिक्स वन, 3v3 लॉजिस्टा के साथ नहीं खेल रहे, आरवी के पुशेस अप विन बिल्कुल नहीं, यहाँ पे एरियास क्लियर चली जाती है, उनके हेल्थ जो है वो जरूर कम रहेगी, दिस लॉजिस्टा स्टिल टेक डाउन करेंगे केओ को, वो 12 एचपी वैसे ही सही सलामत है, विन भी जिंदा, विन भी जिंदा एंड द लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग, अभी तक हाफ भी चूज ऐसा कोई भी चीज अंदाम नहीं दिया गया, लॉजिस्टा गलती नहीं करेंगे, एक एचपी का मैन यहाँ पे स्टाइल में वो हाथ उठाते हुए फिनिश करते हुए नजर आएंगे, 13-6 असेंट का ये मैप रेवेनेंट वर्सेस एनिग्मा गेमिंग लॉजिस्टा। अभी देखेंगे राउंड का शुरुआत हो चुका, बैरियर्स हैव बीन ड्रॉप, ओ ब्लैक हॉक क्या ही शॉट यहां पर रजिस्टर किया इस प्लेयर ने, बहुत ही बेहतरीन, चलिए यहां से तो शुरुआत हुई है, विन पे आप उनका साथ देंगे, ये एनिग्मा को जाना पड़ेगा, लॉजिस्टा को मौका नहीं देगा, किले हैं बहुत लो हैं, हाफ डिफ्यूज कर दिया जाएगा एंड शी इज रेडी, शी इज नॉट इट थ्री की नॉट टू फाइंड इट, प्लेयर के साथ कोऑर्डिनेट किया, जस्ट हेल्प मी टू टेक दैट ऑफ बिकॉज़ शो स्टॉपर रेडी हो जाएगा, और छुपते नजर आते and now no information format to uske wajah se mushkil ho sakta hai, black hawk ka information pata chal chuka hai, look at this ultimate, ek round ko jeetne ke liye excali fayda uthayenge, yahan pe bata raha hu because ye dekhiye enigma ko jaise hi pata chala wahan pe judge hai unhone instantly kadam peeche kheench liye, to bhaiya hum aise situation mein challenge nahi karna, kya so antidote is doing the heavy lifting but dusri or logista is coming in from the defender spawn, rafael abhi back off kar rahe hai, kya ye mauka mil sakta hai, antidote vim ko down karenge, night rider ko बाकी सारे खिलाड़ी आप अगर मैप देख रहे हैं कि they're on the back stab, सारे फ्लैंक करने के लिए एक मौका ढूंढ रहे हैं, आरवी के इज लुकिंग द रॉन्ग डायरेक्शन, अल्टीमेट के साथ रॉफ्यूल एंट्री करते हुए नजर आएंगे, अभी तक कोई खिलाड़ी मार्क नहीं है,
उसकी एल्बो चेक नहीं किया यार, फ्लैश आएगा रैंडमली स्प्रे किया नाइट साइड डज नॉट गेट गुड एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ, मार्क हो जाएंगे बट रॉफियो लुक एट हिज प्ले ऑलरेडी डिफेंडर स्पॉन आ चुके थे डाउन करेंगे एल्बो कंट्रोल मिल चुका बट पैराडॉक्स इज कमिंग इन फ्रॉम द लॉन्ग एक पिक निकालेंगे एक्सकाली ड्यूल जीतेंगे उसका के बार बट लॉजी इमीडिएटली विद अ ट्रेड अल्टीमेट का इस्तेमाल पैराडॉक्स अनेबल टू सी एनी इंफॉर्मेशन हाफ डिफ्यूज यहां पे किया जाएगा एंड ट्रिक्सी ये मजाक नहीं किया जा रहा है यूज अल्टीमेट डिफ्यूज किया जा रहा है द लास्ट स्टैंडिंग इज रॉफियो हाफ डिफ्यूज यहां पे हो चुका है अपने ही पॉइजन क्लाउड में बैठ जाएगा ये प्लेयर अ गुड प्ले कमिंग फ्रॉम रजिस्ट्रार के मुझे एनिग्मा गेमिंग कहां थी कहां पहुंच गई कब गई पता भी नहीं चला चार नहीं नहीं रेज के पास जाकर शोर स्टॉपर रहेगा इसकी बदौलत हम आगे बढ़ेंगे विल ट्राई टू फाइंड समथिंग जब उनके शोर स्टॉपर को पूरी तरीके से डिनाई किया जा रहा है ओके अब वैल्यू निकाला जाएगा बट दैट शोर स्टॉपर साइट इन ऑन कंट्रोल बट जहां पे डिफ्यूज करना आपको वही देते इन गुड डीड दूर इकोनॉमी इतना ज्यादा बेहतर नहीं है अगर मैप पॉइंट की तरफ आ जाते मौका नहीं मिलता Punish, Rockfield आप एक और punishment करेंगे, but Parox with 3, looking forward to his score, flash हो जाएगा, मौका नहीं मिला था, but right kick के साथ यहाँ पे आ गया निकले, but Excali cover देते हुए, he makes sure he's last two rifles, at least survive, Parox, he did too good, but antidote करना, इसके सामने आके यहाँ पे advantage उठाना मुश्किल होगा, flash आएगा, immediately लोग entry लेते हैं, एक pick निकाल चुके, but antidote still hiding right behind the boxes and check नहीं करेंगे, punish भी करेंगे antidote, he's looking for another one, get out of छुपे, finally gets spotted, logi उनको down करेंगे, Excali अभी भी backside में खेल रहे, he find one for himself, उनके ऊपर जाएंगे, but Excali still good for one, okay, सामने but look tells them कि कोई information तो नहीं मिल रहा, cube के अंदर आएगा hot, बता देगा कि ट्यूब के अंदर ही खिलाड़ी खेल रही है इस पोजीशन पर बट आरवी के पुशेस यहां पे देखिए प्रेसिंग के साथ स्पैम करना चाहते हैं एंड आरवी के फाइंड्स शॉट बाद चीजें जो है बिल्कुल चेंज जाएंगी रेवन के खिलाड़ी यहां पे टेक डाउन किया गया आगे बढ़ेंगे यहां पे अपनी बॉल एलिवेशन दे देगा इसी बीच पैराडॉक्स विल फाइंड वन पोटेंशियल का इस्तेमाल करने की कोशिश ज्यादा समय यहां पे जब मत पूछिए प्लेयर एंटीडोट विल बी टेकन डाउन रेवन कमिंग बैक इन द गेम इन विद सिचुएशन यहां पे वेम कैच हो जाएंगे एंड देखिए आखिरी पिच कमिंग फ्रॉम ऑल द वे पीलोंग की तरफ से ऑक्सीजन कंट्रोल मिल चुका है एक्सकाली एंड आरवी के साथ में बट एक्सकाली He's going to be the first one. Weapon recover करेंगे RV के, but he does not find anything. Full health है अभी भी उनके पास. He needs to isolate these duels, but Paradox को. इतनी सारी ultimates, कितनी सारी players आपके सामने हैं. Ultimate के साथ आप जरूर से आगे बढ़ सकते हैं. You have spotted two players. खाली देखिए resurrection को deny करने के लिए. अगर resurrection आता भी, Paradox तुरंत damage खा सकते हैं. Right now everybody is covering him and Rofio एक kill और निकालेंगे. So he makes it still a 4v5 situation. Rofio एक और killer को देख चुके हैं. Night Rider को chin down. Rexy अभी भी कभी मैं छुपे हो. Paradox Rexy को down कर चुके हैं. यहाँ पे entry मिल चुके हैं side में. But antidote भी तैनात ही है. Immediately the down wipe has been saved the day. Mark हो चुके हैं. यहाँ पे तंग हो रहा है. And सीधा उनके ऊपर push आ सकता है. जी हाँ, इसका करेंगे. And Enigma. जा रहे जहाँ पे चार खिलाड़ी मौजूद हैं क्या ये डिजास्टर बनने वाला है राइट हो सकता है बट विम फाइंड्स वन ऑन रॉफियल अभी भी देखिए क्लियर नहीं कि अभी भी बक्से के पीछे एक खिलाड़ी है एंड एंटीडोट पॉप्स ऑफ ह्यूज टू हेड बट ब्लैक हॉक यहां पे किल निकालेंगे बट लास्ट प्लेयर बनते हुए ब्लैक हॉक अंदर आने एक एक कदम लेके बहुत कॉशियस क्योंकि उनको पता है बैक एंड फोर्थ ऑलरेडी जा चुके हैं मैप ऑनलाइन आएगा पैराडॉक्स एंट्री ले चुके हैं बट इज अनेबल टू क्लियर द कॉर्नर रेक्सी वहां पे किल आरवी के लिए किल निकालेंगे आरवी को इन फॉर द सेकंड एज वेल काम नहीं आएगा आपने जो यूटिलिटी आया था ब्लैक हॉक निकाल लेंगे बट लुक एट दिस स्विंग कमिंग इन फ्रॉम रेक्सी ब्लैक हॉक आगे आएंगे
वेपन्स का भी दिक्कत रहेगा। प्लेइंग इन द सेम पोजीशन विम्प अग्रेसिव चार्ज के एलियन की तरफ रहने वाले हैं, बट लुक एट दिस एंटीडोट मिसेस अपॉर्चुनिटी, नाइट राइडर इमीडिएट हेडशॉट। दूसरी ओर यहां पे एंट्री मिल चुका है रेक्सी, फाइंड्स वन, ही इज लुकिंग फॉर द सेकंड जी। व्हाई आर दे टेकिंग द ड्यूल जबकि रेक्सी का पोजीशन ऑलरेडी पता चल चुका है, साथ देने के लिए अपने एक्सकाली भी आ चुके हैं। एक्सकाली टेक्स डाउन स्पाइक कैरियर, आखिरी खिलाड़ी जैसे लॉन्ग से आ रहे हैं। ट्रिक देखी, एवरीथिंग लुकिंग गुड फॉर एनिग्मा, बट लेट्स अल्टीमेट भी इस्तेमाल करेंगे, हटना पड़ेगा एंड कमिटमेंट यही भी दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे खिलाड़ी आ चुके हैं। एक ओपनिंग की गुहार, वो एक ये जो भी करना है या तो एंटीडोट पहले टेक डाउन कर लीजिए जो इन गेम्स, बट दूसरी ओर एक्सकाली का पोजीशन देखिए, बट इन द मीन ट्रेडमार्क रहने वाला है, पता चल जाएगा कि बैक स्टैब आने वाला है। ब्लैक हॉक इज होल्डिंग द बैक स्टैब, एक्सकाली नजर आ रहा है। XC finds a player but eliminate नहीं कर पाया। Ultimate का इस्तेमाल, Rofuel पीछे नहीं आगे तक खेले जाते हैं, क्योंकि वो जवाब कोई क्वेश्चन उठना ही नहीं चाहिए। ये राउंड आपको बिल्कुल जीतना है, वरना वो राउंड का डिफरेंस है वो और बढ़ जाएगा। फिलहाल इस खिलाड़ी पे बहुत ज्यादा प्रेशर, कोई भी मौका यहाँ पे Revenant को नहीं मिला। इट्स अ 3v3 विद अ गुड वेपन एडवांटेज, बैक स्टैब एंड वो बैक स्टैब काम जरूर कर रहा है। आरवी अनफेयर फाइट द ब्रीच के साथ फर्स्ट किया था, वेपन रिकवर किया था, तो दे विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग डैमेज now as well. Kinga full buy hai, even Steven fight rehne wala hai. Railways is a position par chal raha, Paradox is good for one. Rocky trick karenge Lorgista ke upar, but Paradox with the ultimate Excali ko down karenge. Look at how fast this cascaded fight is going on. Paradox with the fourth is looking for the last player in the position, already pata chal chuka kyunki aage jaake wo Nitro pick nikal lete hain. It's a nade for Paradox. He is bringing the team. Viram Chimna ka wo lagaya Analal ke liye kya rasta, aur zyada aage nahi aane diya. पांच राउंड है यहाँ पे, बहुत बड़ा लीड यहाँ पे ले चुकी है एनिग्मा, बस आराम से यहाँ पे डिफेंस करते जाए। इसमें ऑलरेडी आरवीके के पास कंट्रोल है, विम गोइंग अ लिटिल बिट क्लोजर टू चेक इट। ब्लैक हॉक उनका साथ देंगे, आरवीके का थ्रुआ नहीं एंड दे फाइंड एनीथिंग, देखना पड़ेगा। रॉफिल एंट्री ले चुके हैं, ब्लैक हॉक अपना पोजीशन बता चुके हैं एंड नाउ इट्स गोना बी डिफिकल्ट बचने के लिए निकल करते हुए यहाँ पे रॉफ्यूल, बट हेवन पे ऑलरेडी रेक्सी फ्रॉम द शैडोज लेके आगे आ चुके थे। रेक्सी पुट्स एन एंड एज वेल एज एक्सकाली एंड यहाँ पे एएमडी स्काई इज पुट प्रो इनविटेशन।